जानिए छत्तीसगढ़ की प्रमुख जिलों की खबरें खटपट न्यूज पे फटाफट अंदाज में। प्रदेश के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने लेमरू एलिफेंट रिजर्व को लेकर ये साफ कर दिया है कि यहां से किसी भी तरह से विस्थापन नहीं किया जाएगा। मंत्री ने इस तहर की विस्थापन की फैल रही खबरों को भ्रामक बताया है। उन्होंने कहा कि किसी भी गांव का विस्थापन नहीं किया जाएगा और ना ही किसी के निजी और सामूहिक वन अधिकार पर कोई प्रभाव पड़ेगा। एलिफेंट रिजर्व से मानव हाथी संघर्ष की आशंका को भी उन्होंने निराधार बताया और कहा कि इसके विपरीत हाथी रिजर्व मानव हाथी संघर्ष को नियंत्रित करने में मदद करेंगे। कोतरा रोड थाना इलाके में बुधवार सुबह एक बड़ी घटना घट गई है। यहाँ कोसमनारा सत्यनारायण बाबा धाम तिराहे के पास 14 चक्का ट्रक ने मोटरसाइकिल को पीछे से ठोकर मार दी। हादसे में माँ बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। इसकी सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, फिर घंटों मशक्कत के बाद लोगों को समझाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया। बिलासपुर जिले के सकरी थाना क्षेत्र के कोटा मोड़ पर मंगलवार रात एक बड़ा हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। हादसे में कार चालक डॉक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं चार अन्य बुरी तरह जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्वामी आत्मानंद की जयंती पर प्रदेश में धरसा विकास योजना शुरू किए जाने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के बाद राज्य शासन ने तत्काल अमल शुरू कर दिया है। इसके क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विभागों की योजनाओं के अभिसरण के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने 3 विभागों के सचिवों की समिति गठित की है। राजधानी रायपुर में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। पड़ोस में रहने वाले युवक ने 17 वर्षीय नाबालिग को ही अपनी हवस का शिकार बनाया। मामले की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया।